सिरमौर में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक के कर्मचारी पर 4 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। फिलहाल आला अधिकारियों द्वारा संबंधित सहायक प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला सिरमौर के नौहराधार में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा का है। यहाँ उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई, जब यहाँ पुलिस की मौजूदगी में बैंक के आला अधिकारियों की टीम जांच करने पहुंची। जांच के दौरान टीम द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उधर बैंक में गबन के मामले का पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गबन का पता चलते ही भारी संख्या में लोग अपनी FD की रसीद लेकर बैंक पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक दर्शन पांडे ने बताया कि 3 अगस्त को बैंक में गड़बड़ी की सूचना मिली थी और 8 अगस्त को मामला पूरी तरह से संज्ञान में आया। इसके बाद जांच शुरू की गई और मामला पुलिस में दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि बैंक के ही एक अधिकारी ने बैंक खाते बनाकर लगभग 4 करोड़ का गबन किया है। उन्होंने बताया कि छानबीन अभी जारी है और गबन की राशि और अधिक बढ़ सकती है। साथ ही ये भी बताया कि मामले में सहायक प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। हमारा एम्प्लॉय है इस ब्रांच का, जिसने कुछ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किया है बैंक का, तो उसका मामला है, जिसकी प्राथमिक सूचना हमारे को प्रारंभिक सूचना 3/8/2024 को मिली और 3/8/2024 के बाद थोड़ी इनिशियल इसमें इंक्वायरी और जांच के अधीन जो भी जांच का मामला आया, तो उसने कुछ बैंक का को डेंट पहुंचाया, तो उसकी जो प्राथमिकी है हमने 10 तारीख को करवा दी थी पूरी जांच के बाद। अभी मामला जांच के अधीन है और अभी इसमें कुछ ऐसा संज्ञान में आ रहा है, पब्लिक को इतना ज़्यादा डेंट नहीं है, परंतु बैंक का कुछ लॉस है, अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। बैंक का अभी जो लॉस है प्रारंभिक अवस्था में, जो प्राथमिकी दर्ज है वो 4 करोड़ के लगभग है, और अभी कितना और लॉस है वो इसमें जो अब आगे जांच बैठेगी, अभी हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर इसकी विस्तृत जांच होगी, विस्तृत जांच के बाद कुछ एस्टेब्लिश हो पाएगा, तब तक जो है इतना ही हम कह सकते हैं। उक्त कर्मचारी को त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो शिमला कर दिया गया। क्या है, लोग थोड़े से चिंतित हैं समाचार सुन करके, वो एक स्वाभाविक ही है जी, स्वाभाविक है, आ रहे हैं, परंतु हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या नाम कहते हैं हर संभव जो है बैंक अधिकारी द्वारा संतुष्ट किए। कस्टमर का अभी प्रारंभिक अवस्था में कोई लॉस नज़र नहीं आता है, ये जो है गबन का मामला है, अब कितने का गबन सामने आता है वो अभी जांच का विषय है, तो लोगों को अभी समझाया जा रहा है इस विषय में, और ऐसी कोई यू एंड क्राई वाली बात नहीं है। सर अभी ये जो हमारी निरीक्षण टीम है प्रारंभिक अवस्था में, ये रिपोर्ट जो है हम अपने हेड ऑफिस को सौंपेंगे। यहाँ लगभग 26 लाख की पेमेंट हमारी थी, जो पेमेंट 26 लाख थी वो पेड दिखा रहा कंप्यूटर से कि ना हमारे पास FDI हमारे पास है ना, हमने पेड किया नहीं, अगर पेड होती तो FDI तो ही ले लेते। उन्होंने तो बोला भाई हम इसको वापस दिलाएंगे आप और ये ले रहे, हमारे रिक्वायरमेंट जो भी है कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं और क्या बोलते हैं FDI फोटो जी जी ले जा रहे हैं, जो हमारे ओरिजिनल है जी उसकी फोटो से जी, तो ये ले रहे हैं। आप देखते हैं क्या होता है, कैमला हमारे गाँव की तो लगभग सबका ये है और सबके साथ आई है, लोग कुछ आ रहे हैं कुछ अंदर है कुछ बैठे हैं। 10 लाख की क्या हुआ उसमें, घोटाला हुआ मिल भी नहीं यहाँ पर। कहाँ है आपकी FD? कोऑपरेटिव बैंक हमने क्या बोल रहे हैं फंसे रहे हम यहाँ बैंक में। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।